साथियों, प्रकृति ने अपने आंचल में प्रत्येक जीव मात्र के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए ऐसी दिव्य जड़ी बूटियां उगाकर संजो कर रखी हुई हैं, जिनका उपयोग जानकारी नहीं होने के कारण स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। भारत में आयुर्वेद चिकित्सा का जनमानस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि यवन व अंग्रेज शासन काल में भी लोग इसमें विश्वास नहीं खो सके, जबकि शासन की ओर से इस पद्धति को नकारात्मक दृष्टि से ही संघर्षरत रहना पड़ा। भारत के सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचल में तो लोग केवल जड़ी बूटियों पर ही मुख्यतः आश्रित रहते हैं। उन्हें यूनानी व एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों का लाभ प्राप्त होना संभव नहीं हो सका, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल में कम ही प्रसारित हो पाए हैं। आज भी भारत के ग्रामीण जनमानस पटल पर इन जड़ी बूटियों में ही दृढ़ विश्वास स्पष्ट देखने में आता है। वंश परंपरागत जड़ी बूटी चिकित्सा अनुभवों का विशाल भंडार देश के ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी पाया जाता है, लेकिन इसे सुरक्षित रखने के उपाय अभी भी संतोषजनक नहीं है। परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साधारणतः जनता आज भी एलोपैथिक चिकित्सा से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। किसी बीमारी की चिकित्सा के लिए जो दवाइयाँ खाई जाती हैं, उसमें आंशिक लाभ तो होता है, परंतु अन्य बीमारियों का उदय हो जाता है। जड़ी बूटियों से इस प्रकार के दुष्परिणाम नहीं होते। इसके अतिरिक्त बीमारियों के इलाज में भी खर्चा बढ़ रहा है, जबकि जड़ी बूटी चिकित्सा में बहुत कम व्यय में चिकित्सा हो जाती है। साधारण रोगों जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, पेट रोग, सिर दर्द, चर्म रोग आदि में आसपास होने वाले पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से अतिशीघ्र लाभ हो जाता है और खर्च भी कम आता है। ऐसी परिस्थितियों में जड़ी बूटी की जानकारी का महत्व अधिक हो जाता है। हमारे आसपास पाए जाने वाले पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। इन्हीं में से एक है ब्राह्मी। यह मुख्यतः जलासन भूमि में पाई जाती है, इसलिए इसे जल निम्ब भी कहते हैं। विशेषतः यह हिमालय की तराई, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में नदी नालों, नहरों के किनारे पाई जाती है। गंगा के किनारे 12 महीने हरी भरी पाई जाती है। इसे बुद्धिवर्धक होने के कारण ब्राह्मी नाम दिया गया है। बनो औषधि चंद्रोदय के विद्वान लेखक के अनुसार ब्राह्मी की मुख्य क्रिया मस्तिष्क और मज्जा तंतुओं पर होती है। मस्तिष्क को शांति देने के अतिरिक्त यह एक पौष्टिक टॉनिक का काम भी करती है। मस्तिष्की थकान से जब व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाती है, तो ब्राह्मी के घटक स्नायु कोशों का पोषण कर उत्तेजित करते हैं तथा मनुष्य स्फूर्ति का अनुभव करता है। अपशमार के रोगों में वे विद्युतीय स्फुरणा के लिए उत्तरदायी केंद्र का समन करते हैं। स्नायु कोशों की उत्तेजना कम होती है, वो धीरे धीरे मिर्गी के दौरे की दर घटते घटते नहीं के बराबर हो जाती है। उन्माद में भी यह इसी प्रकार काम करती है। दो परस्पर विरोधी मनोविकारों पर विरोधी प्रकार के प्रभाव इस औषधि की विलक्षणता है। इसे सरस्वती पत्रों का घटक मानकर इसी कारण मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए चिर पुरातन काल से प्रयुक्त किया जा रहा है। उदासी, निराशा भाव तथा अधिक बोलने से उत्पन्न हुए स्वर भंग में भी ब्राह्मी लाभकारी होती है। जन्मजात तुतलाने में भी ब्राह्मी सफलता पूर्वक कार्य करती पाई गई है।